तो स्वागत है दोस्तों मेरा एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने हेयर को सेबी लुक कैसे कर सकते हैं, फेस को वाइट कैसे कर सकते हैं, कपड़ों में चमक कैसे डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको एक वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली फ़ोटो को हम अपने लेकर चलेंगे लाइटरूम स्नैपशीट के अंदर। सॉरी गाइस, स्नैपशीट के अंदर मैं आ चुका हूँ और इसके मैं ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को भी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, सैचुरेशन को भी मैं इंक्रीज कर लूँगा और एम्बियंस को भी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को हाइलाइट्स को माइनस की साइड रख देना है और शैडोज को इंक्रीज कर लेना है। सेटिंग आप लोग देख सकते हैं गाइस, कितना मैं सेटिंग रख रहा हूँ, तो आप लोग सेटिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे डन कर देता हूँ सिंपली गाइस, और यहाँ पर मैं टूल्स पर क्लिक करूँगा, फिर से फ़ोटो को मैं शेयर कर लेता हूँ। शेयर करने के बाद हम इसे लेकर चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो इस वीडियो में मैं जितने भी ऐप का यूज़ किया हूँ उस सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ गाइस, और इससे पहले भी हमारे एक कमाल की वीडियो आ चुकी है, तो आप उसे ज़रूर से वॉच कीजिएगा। इसका कॉन्ट्रास्ट मैं बढ़ा लेता हूँ, हाईलाइट्स को माइनस रखूँगा, शैडोज़ को इंक्रीज कर लूँगा और ब्लैक्स को भी मैं माइनस कर देता हूँ। इतना करने के बाद गाइस सिंपली हम लोग यहाँ से फ़ोटो को कर लेते हैं डन। कलर वाले टूल पर जाएंगे, मिक्स पर जाएंगे और पहले हम आते हैं अपने फेस के कलर पर। तो सिंपली यहाँ पर मैं फेस के कलर पर आ गया हूँ। इसका सैचुरेशन आपको माइनस करके लुमिनस इंक्रीज कर देना है, और यहाँ से फिर लुमिनस आप देख सकते हैं मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ। और आपको सिंपली आ जाना है फिर पिंक वाले पर, इसका मैं सैचुरेशन इतना कर लेता हूँ, और आपको ये ग्रीन वाले पर आने के बाद सैचुएशन को हल्का माइनस करके बढ़ा देना है और इसका सैचुएशन आपको इंक्रीज। वो देखिए गाइस कितना मस्त हमारा एडिट ग्रीन टोन हो चुका है। तो ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है फोटो गाइस, हमारा लग ही नहीं रहा है कि एडिट हो चुका है, लेकिन बहुत ही मस्त कलरफुल लग रहा है, बहुत ही नेचुरल लग रहा है। तो आप भी इस तरह की फ़ोटो को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो वीडियो को सिर्फ देखते रहिए। यहाँ से इस फोटो को शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद सिंपली हम ऑटो डेस्क में इसे ओपन कर लेंगे गाइस। तो ऑटो डेस्क में ओपन करने के बाद मैं आपको टूल्स एक दिखा देता हूँ, आप उससे अपने फेस को स्मूथ कीजिएगा। आप अपने फेस को अच्छी तरीके से स्मूथ कीजिएगा जिससे आपका फ़ोटो बहुत ही मस्त लगेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कलर मिक्सचर टूल के ऊपर, और यहाँ से मैं सेटिंग्स को 1:1 रखता हूँ, और साइज आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा गाइज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइज अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं आराम से। इतना करने के बाद मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि स्मूथ में धीरे धीरे करूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा गाइस। तो सिंपली मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी स्मूथ कर लेता हूँ, लेकिन 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 आप लोग यहाँ पर आराम से कीजिएगा स्मूथ। तो यहाँ से मैं सिंपली कर लेता हूँ स्मूथ, और आप लोग आराम से कीजिएगा, ज़्यादा हड़बड़ी में मत कीजिएगा, उससे आपकी फ़ोटो बेकार भी हो सकती है। तो सिंपली यहाँ से मैं फ़ोटो को स्मूथ कर रहा हूँ, और अपने नोज वाले साइड पर बहुत ही अच्छा से स्मूथ कीजिएगा गाइज। मैं अपने गर्दन के साइड भी से स्मूथ कर लेता हूँ। तो फोटो स्मूथ हमारी हो चुकी है। स्मूथ के बाद मेरा एक और बात है गाइज, वो आप देखिएगा, वो लास्ट ट्रिक है इस वीडियो का। तो आप वीडियो में बने रहे। सिंपली अपने फोटो को आपको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद सिंपली एफएक्स पर जाना है आप लोगों को, और इसके बाद आर्टिस्टिक एक नाम का ऑप्शन, उसमें जाना है, और यहाँ से आपको फैटल वन को चूज करना है और इसको क्लिक करके इसका मल्टीप्लाई कर लेना है गाइस। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये बहुत ही डार्क हो चुका है। तो डार्क करने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ से ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करके इसे अच्छी तरह से ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि जब हमारा फ़ोटो में कपड़ों में हम चमक डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा लगता है गाइस देखने में। तो इतना करने के बाद सिंपली आप लोग को ऐसे ब्रश कर लेना है। तो साइज आप लोग बड़ा दख कर अपने हिसाब से कर लीजिएगा, और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं डन गाइस सिंपली। इतना करने के बाद आपको ड्रॉ टूल पर जाना है, कलर वाले टूल पर जाना है, और आपको रेड कलर सिलेक्ट कर लेना है। रेड कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको 3 डॉट के बगल में एक डबल पैनल ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है, आपको डार्किन कर देना है, और सिंपली अपने फ़ोटो को जूम करके अपने कपड़ों के इसे फेंट कर देना है।
तो सिंपली आज के वीडियो में बस इतना ही था गाइज। आई होप आप लोग उसको किसमें कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपसे किसी की कमाल की वीडियो में।